Once again, hello and good afternoon class. Let's begin with chapter number 12, that is Youth and the Task Ahead, written by Dr. Karan Singh. Coming towards last paragraph of page number 85, there remains the important question of the opportunity which we must provide to our youth for serving the nation at this crucial juncture. तो यहाँ पे अब ऑथर क्या कहते हैं कि अभी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक ऐसा ज़रूरी सवाल नेशन की अपॉर्चुनिटी के लिए बना हुआ है कि हमें अपने यूथ को ऐसा क्या प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो हर बार नेशन की सर्विस के लिए आगे आए और कभी भी कोई भी ऐसे इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल मोमेंट होते हैं, क्रूशियल जंक्शन होते हैं, तो हर बार नेशन की हिम्मत बनकर खड़े रहें. तो हर बार नेशन को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे यूथ अपने आप ही इंस्पायर होकर नेशन की हर एक क्रिटिकल जंक्शन में या फिर मोमेंट पर हेल्प कर सके. देर इज़ सो मच टू बी डन. बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम कर सकते हैं नेशन के लिए. सिविल डिफेंस मेजर्स टू बी स्ट्रेंथन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज. सबसे पहले जो हमारा डिफेंस फोर्स है उसके अकॉर्डिंग सिविल डिफेंस के सारे मेजर्स या फिर उनकी जो भी क्लासेस होती हैं इस अकॉर्डिंग हम अपने अर्बन और रूरल एरियाज़ के लोगों को जो कि यंगस्टर्स हैं उनको उस तरीके से उस सिविल डिफेंस के क्लासेस में डालें ताकि उनकी फोर्स पूरी तरह से स्ट्रेंथफुल हो, एक्टिव बने और स्ट्रेंथन बने. अ नेटवर्क ऑफ नर्सिंग. जो लोग पावरफुल नहीं हो सकते वो एनी हाउ नर्सिंग कर सकते हैं, नर्स बनकर लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं. फर्स्ट एड एंड ब्लड बैंक. तो फर्स्ट एड देने के साथ साथ एक तरीके से उसी यूथ को ब्लड बैंक के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व करना. सेंटर्स टू बी इस्टेब्लिश्ड. ये कुछ सेंटर्स हैं जिनको इस्टेब्लिश करना चाहिए. पहला सिविल डिफेंस फोर्स को, दूसरा नर्सिंग एक्टिविटीज़ के नेटवर्क को, तीसरा फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाले लोग जो कि नर्सिंग एक्टिविटीज से थोड़े से स्टिमुलेट हों, मतलब कि डॉक्टरशिप ट्रेनिंग ले रहे हो या इंटर्नशिप्स कर रहे हो, प्लस ब्लड बैंक सेंटर्स बनाने चाहिए जिसमें हमारा यूथ इन्वॉल्व होना चाहिए टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. तब जाकर ही नेशन या फिर यूथ पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड होगा. द वेलफेयर ऑफ आर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस हु हैव सेक्रीफाइस सो मच ऑन द बैटल फील्ड टू बी फर्दर्ड. तब जाकर ही हमारी सोसाइटी का और उससे जुड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कि आर्मी नेवी फोर्सेस होती हैं या फिर हमारी डिफेंस फोर्स होती हैं उन सबका भला होगा या उनका वेलफेयर होगा. और कहीं ना कहीं जो हमारे नेशन के यूथ ने ठाना है अपना सेक्रीफाइस देने का, कभी भी जब नेशन को नीड हो ऐसी चीज़ें भी आगे आएंगी, उनका सेक्रीफाइस भी सामने आएगा जब भी हमारी कंट्री में आगे कभी भी बैटलफील्ड होगा. द डिपेंडेंस ऑफ दोज हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस टू बी हेल्प्ड एंड कम्फर्टेड, कम्युनल हार्मनी टू बी मेंटेन्ड. इसलिए हमारे जो भी लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सब के साथ हमें हर बार एक सुप्रीम डिसीजन बनाना चाहिए ऑफ आवर सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, ताकि वो हर बार हमारे ऊपर एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि हमारी हेल्प के लिए हमारे डिसीजंस हमारे सामने आए और हमारे सारे के सारे लोग सामने आए जिससे देखकर हम लोग एक दूसरे को देखकर कंफर्ट फील करें, एक दूसरे की हिम्मत बने और तब जाकर ही हमारी जो कम्युनल एक तरीके से सारे के सारे लोगों की कम्युनिटी की मिलकर जो हारमोनी या पीस होता है वो सामने आएगी और वो मेंटेन रहेगी. द होल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन टू बी स्पीडेड अप. और यही सारा प्रोसीजर जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर नेशन, इसको हमको बहुत जल्दी सामने लाना है एज अ रिजल्टेंट फैक्टर. इन सब के लिए हम जो भी माइंड में सोचते हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन या एटीट्यूड उन सबको स्पीड एंड अप फोर्स देना चाहिए. द वास्ट एरियाज ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस दैट स्टिल एग्जिस्ट टू बी क्लियर्ड, द फैब्रिक ऑफ आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी स्ट्रेंथन. तो जो हमारे आसपास के एरिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं, पॉवर्टी वहाँ पर बिलोंग करती है, या फिर ऐसे इग्नोरेंट एरियाज हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सारी की सारी, ऐसी चीज़ों को भी हमें सामने लाना चाहिए कि उसमें भी यूथ अभी तक एग्जिस्ट करता है. तो अपने माइंड से पॉवर्टी की सिचुएशन वाले लोग और इग्नोर्ड पीपल की जो भी हमारे माइंड में उल्टी सीधी बातें हैं उनको निकालना चाहिए, माइंड को क्लियर थॉटफुल बनाना चाहिए
ताकि हम वहाँ के यूथफुल नेशन को भी अपने साथ ज्वाइन कर सकें। द फैब्रिक ऑफ आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी स्ट्रेंथन, तब जाके हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को मिलने वाला फैब्रिक इन द फॉर्म ऑफ यूथ स्ट्रेंथन हो पाएगा, हम एक दूसरे की हिम्मत या ताकत बन पाएंगे। दीज एंड अ थाउजेंड अदर प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट अस टुडे, क्योंकि ये भी हमारी उसी प्रॉब्लम में से एक है जो हर बार हमारा रास्ता रोकती है और हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती है। तो ये और इसी की जैसी थाउजेंड अदर प्रॉब्लम, छोटी छोटी दिक्कतें जो हमें आगे बढ़ने में रोकती हैं, हमें उन सब का डट कर सामना करना चाहिए और उन्हें मिटाना चाहिए। श्योरली इट शुड नॉट बी बियॉन्ड आर इंजेनिटी टू ऑर्गेनाइज अ वास्ट नेशनल यूथ मूवमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो भी कदम उठाएं वो हमारी क्लेवरनेस को बिलोंग करना चाहिए, क्लेवरनेस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मतलब चालाकी इस तरीके की हो कि वो नेशन को विजडम दिलाए, ना ही नेशन का नुकसान करे, क्योंकि तब जाकर हमारा एक बहुत बड़ा नेशनल यूथ मूवमेंट सामने आएगा जिसके कारण हम सारी की सारी लिमिटेशंस को, फिर चाहे वो पॉलिटिकल, कम्युनल या फिर रीजनल लिमिटेशंस हो, उन सब को दूर कर पाएंगे, उनके सारे के सारे बॉर्डर लाइंस और बाउंड्रीज को कट कर पाएंगे, लोगों की सोच को अच्छा बना पाएंगे। कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 86, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसेंड पॉलिटिकल, कम्युनल एंड रीजनल, इन सारी लिमिटेशंस को तो हमको ट्रांसेंड करना ही है, प्लस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ को भी, हर एक लैंग्वेज के लोगों को भी हमें एक साथ ही आगे बढ़ाना है, तब जाकर हमारा मूवमेंट नेशन के हित में होगा, फॉर द फेवर ऑफ द नेशन कैन मोबिलाइज अवर यूथ फॉर द नोबल टास्क ऑफ डिफेंडिंग एंड डेवलपिंग फ्री इंडिया, हमारे इंडिया को प्रीडेटर से बचाना और उसे हर बार एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ डेवलप करना, यही हमारा एक नोबल टास्क होगा। एंड कैनलाइज द माइटी अपसर्ज ऑफ पेट्रियाटिज्म, और पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना हमारी फीलिंग्स का, अपसर्ज होता है हमारी फीलिंग्स में, जो हमारा बोलते हैं ना ब्लड में उछाल आना, खून खोलना, इस तरीके से हमारी फीलिंग्स हर बार स्ट्रॉन्ग होना, वही हमें कैनलाइज करने में हेल्पफुल रहेंगी, और इससे हमारे माइंड में जो पेट्रियाटिज्म है, देशभक्ति की भावना, वो हर बार उसकी फीलिंग अपसर्ज रहेगी, टू द टॉप हाइएस्ट फीलिंग रहेगी। That we have witnessed in recent days, जो कि हमने अभी कुछ दिनों में अपने सामने महसूस किया होगा। The younger generation today faces challenges graver than any with which their forefathers were confronted. अभी हमारी younger generation यही सारे challenges face कर रही है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से खतरनाक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा deep challenges हो गए हैं young generation के लिए, जो कभी उनके फोर फादर्स ने, दादा पर दादाओं ने कभी देखे थे और उनका सामना किया था। वॉट इज एट स्टेक इज नथिंग लेस देन वेदर अ सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशन फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे लिए, हमारे डेमोक्रेटिक नेशन के लिए सबसे ज़्यादा सेक्युलर और कुछ भी नहीं है जब तक कि हम इन चार प्रिंसिपल्स पर खड़े नहीं उतरते हैं। मींस जस्टिस, हर एक के साथ इक्वल जस्टिफिकेशन होना, जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ या जस्टिस होना, लिबर्टी, सबको इक्वल फ्रीडम मिलना अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, इक्वलिटी, सबको बराबर मानना, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हों, एज ग्रुप को बिलोंग करते हों, या फिर किसी भी लिंग्विस्टिक या फिर सेक्युलर बेसिस पर वो लोग हों, सबको इक्वल मानना। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, सबको एक साथ भाई बंधु मानना, तब जाकर ही हम अपने नेशन में सरवाइव कर पाएंगे और हमारा नेशन एज अ डेमोक्रेटिक नेशन बन पाएगा, कैन सरवाइव इन दिस न्यूक्लियर एज। डेस्टिनी हैज़ गिवन अस द प्रिविलेज ऑफ प्रोवाइडिंग द आंसर टू दिस मोमेंटस क्वेश्चन, इसीलिए हमारी किस्मत ने हमें प्रोवाइड करा है, हमें ये सुख दिया है कि हम हर एक इन चीज़ों का आंसर अपने अंदर पा सकें।
विद दिस मोमेंटस क्वेश्चन, जो इस मोमेंट पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया नेशन को बचाने का, वो इन्हीं फोर थिंग्स से बच सकता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट व्हेन द हिस्ट्री ऑफ दिस टर्बुलेंट एरा, और वो जो हमारे डॉक्टर करण सिंह है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि कभी भी अगर हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें दोहराई जाएंगी हमारे टर्बुलेंट या फिर हमारे डिस्टर्ब्ड बिजी एरा की टाइम पीरियड की, कम्स टू बी रिकॉर्डेड अवर यंग मैन एंड वेमेन विल नॉट हैव बीन फाउंड वॉन्टिंग. और तब जाकर ये पाया जाएगा कि हमारे जो यंग मैन और वेमेन हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी ज़रूरत के लिए अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल सर्विसेज में लग चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं. सो एनी हाउ डॉक्टर करण सिंह यही चाहते हैं कि जो भी यूथ है वो पॉजिटिव सोचे और नेशन के लिए कुछ करे, ताकि नेशन को उस पर गर्व हो और उन्हें खुद भी अपने टास्क पर प्राउड फील हो कि उन्होंने नेशन को एक साथ सिक्योर करने के लिए ये सब किया है. लेट्स एंड विथ योर चैप्टर क्लास. सी द ग्लॉसरी पोर्शन हियर व्हिच आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड फॉर यू. Just go through the marked glossary. Hence, your chapter is end today. Thank you, class, and please go through the chapter once again.